हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सज्जाद और आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे एक सोलर इन्वर्टर पीसीयू के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्या क्या फीचर होना चाहिए, किस तरह की इसकी स्विच की सेटिंग होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, चाहे घर हो, दुकान हो, ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी हो। अगर कहीं पे आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो ये सवाल जरूर आपके मन में आता है कि हम सोलर इन्वर्टर पीसीयू कौन सा लें जिसके अंदर हर तरह का हमें ऑप्शन मिल जाए, हमारा कितना लोड चलेगा, किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। तो ये सवाल सबसे पहले होता है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे एक सोलर इन्वर्टर पीसीयू लिए हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे, इसके अंदर क्या क्या फीचर मिल जाता है, क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है। यह एक हमारा सोलर पीसीयू जो है ये स्मार्ट सोलर पीसीयू है, इसके बारे में A to Z कंप्लीट इस वीडियो में दिखाया गया है, बताया गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इस सोलर इन्वर्टर पीसीयू के बारे में तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांड की, यानी कंपनी। सबसे पहले किसी के माइंड में आता है कौन सी कंपनी ले, कौन सा मॉडल नेम ले। तो अगर यहाँ पे कंपनी की बात करें तो इस्टमैन कंपनी का है, इस्टमैन एनर्जी अनलिमिटेड। अगर मॉडल नेम की बात करें तो इसका जो मॉडल नेम है वो हमारा EPG 1412 वोल्ट है। 12 वोल्ट का मतलब ये सिंगल बैटरी हमारा सपोर्ट करता है, यानी एक बैटरी इसके अंदर हम लगाएंगे, चाहे घर हो, दुकान हो, ऑफिस हो, कहीं पे भी इसे हम लगा सकते हैं। सिंगल बैटरी वाला ये हमारा सोलर इन्वर्टर पीसीयू है। और ये जो हमारा सोलर इन्वर्टर पीसीयू है ये साइन वेव इन्वर्टर है और स्मार्ट मोड में ये काम करता है, यानी स्मार्ट मोड का इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है। इसे हम कह सकते हैं कि स्मार्ट सोलर पीसीयू है। ये इसका फ्रंट साइड है, हम इसके बैक साइड थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये हमारा इसके बैक साइड है, बैक साइड थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे आप। तो ये जो है यहाँ पे जो सोलर पैनल से वायर आता है उसका कनेक्शन करने के लिए दिया गया है। इस साइड हमारा नेगेटिव जिसे माइनस ब्लैक कलर का होता है, इस साइड पॉजिटिव जो प्लस रेड कलर का होता है, और यहाँ पे जैसे कि हमारा लिखा गया है डिटेल्स, जैसे मॉडल नेम है वो हमारा EPG 1400 है, DC वोल्टेज 12 वोल्ट DC, यानी जो हमारा बैटरी इसके अंदर कनेक्शन होगा वो 12 वोल्ट सिंगल बैटरी होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो आपका 210-220 वोल्ट है, और जो आपका इनपुट वोल्टेज होगा वो हमारा 230 वोल्ट, यानी जो सिंगल फेज होता है, एक फेज, एक न्यूट्रल, नॉर्मली जो हमारे घर या दुकान या कहीं पे भी यूज होता है वो हमारा वोल्टेज हो गया। यहाँ पे SPV जो रेंज है, यानी जो आपके इसके अंदर वोल्टेज आएगा सोलर का, वो यहाँ पे दिया गया है 17-25 वोल्ट। आपका इनपुट यहाँ पे जो पावर सप्लाई वोल्टेज आएगा सोलर से वो कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे इसका डिटेल्स लिख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सॉकेट के ऊपर तो एक इंडिकेटर है। ये जो इंडिकेटर है यहाँ पे अगर आप गलत कनेक्शन कर देते हैं, जैसे इस साइड आपका नेगेटिव होगा, इस साइड पॉजिटिव होगा, अगर आप इधर क्या करते हैं पॉजिटिव कर देते हैं, इधर नेगेटिव कर देते हैं, तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इसके अंदर किसी तरह का शॉर्ट या किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, कुछ जलेगा नहीं, लेकिन ये आपको इंडिकेट कर देगा कि नहीं आपने गलत किया है। और यहाँ पे सीधा लिखा गया है SPV रिवर्स, यानी आप इसको सीधा कीजिए। जब हम यहाँ पे कनेक्शन सीधा करेंगे, इसके अंदर इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव जाएगा, तब जाके ये इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा, यानी कनेक्शन सही है, उसलिए ये इंडिकेटर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं सॉकेट की। तो इससे हमारा आउटपुट जो लाइन होता है यहाँ से हम आउटपुट कनेक्शन करेंगे टॉप लगा करके, और जो लोड है उस लोड को चलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है एक हमारा, ये आपका रिसेट के लिए बटन दिया गया है, AC रिसेट यहाँ पे क्लियर तरह से लिखा गया है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो एक ये हमारा फैन है जो इसके हीटिंग को बाहर फेंकता है ताकि ये गर्म नहीं हो, खराब नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे ये जो दो है, जैसे ये आपका रेड है, ये ब्लैक है, ये हमारा नेगेटिव हो जाता है जो माइनस भी कह सकते हैं, और ये आपका पॉजिटिव हो जाता है जिसे प्लस भी कह सकते हैं। ये बैटरी के लिए है। ये जो दोनों वायर है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बैटरी में कनेक्शन होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे AC इनपुट, जो हमारा AC लाइन होता है जिसे हम कह सकते हैं ग्रिड
पावर सप्लाई लाइन, जिससे ये हम ग्रिड में लगा करके इसे चार्ज कर सकता है बैटरी को, या आप चाहें तो डायरेक्ट सोलर से भी, अगर आप नहीं यूज करते हैं या कहीं हो सकता है आपके पास वहां पे लाइन की सुविधा नहीं हो, ऑप्शन नहीं हो, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट आप चाहें तो यहां से सोलर में इसका वायर ला करके कनेक्शन कर दिए, सोलर से ये हमारा चार्ज हो रहा है और सोलर से बैटरी पूरा चार्ज होगा, उसके बाद आपको बैकअप देगा। आप दिन में भी चला सकते हैं, रात में भी चला सकते हैं, इसके अंदर आप सोलर लगा देते हैं तो आराम से चलेगा, यानी लोड भी हम चला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ग्रिड की जरूरत हो, लेकिन जहां पे आपका ग्रिड का ऑप्शन है, यानी ग्रिड यानी मेन पावर सप्लाई लाइन है, वहां पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्विच है ना, जो आगे अभी आपको दिखाएंगे, उसके अंदर ऑप्शन है, आप चाहें तो ग्रिड को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं चार्जिंग के लिए, स्मार्ट मोड में कर सकते हैं कि अगर आपका कभी मौसम खराब हो गया, धूप नहीं आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं कि आपका सोलर से भी लाइन ले लेगा, ग्रिड से भी ले लेगा, जितना आपका सोलर पावर जनरेट करेगा उतना वहां से ले लेगा और जितनी जरूरत होगी उतने ग्रिड से लेकर के ये चार्ज कर देगा, तो इसलिए इसके अंदर स्मार्ट मोड का भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये तो हो गया इसके बैक साइड जो भी इसके अंदर है। अब इसके फ्रंट साइड फिर आते हैं और इसके फ्रंट साइड कुछ ऑप्शन है जो हम समझ लेते हैं। अब यहीं पे आपको मिल जाता है, देखेंगे तो ये स्विच है, ठीक है, ये आईटी मोड एनेबल डिसेबल, जैसे यूपीएस मोड होता है ना, यूपीएस मोड में अगर हमें चलाना हो तो हम चलाने के लिए इसे यूज कर सकते हैं, या इन्वर्टर मोड में चलाने चाहे तो कर सकते हैं, इसलिए ये बटन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ट्यूबलर या एसएमएफ कौन सा बैटरी है उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये उसके लिए बटन है। उसके बाद यहाँ पे आप इस इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए इस बटन का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बटन है इससे हम बूस्ट चार्जिंग एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, यानी चाहते हैं कि ज्यादा एम्पीयर से हमारा चार्ज हो, फास्ट चार्ज हो, तो वहां पे इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रिड चार्जिंग, डीजी मोड यानी एनेबल डिसेबल हम यहाँ से कर सकते हैं चार्जिंग का। और इसके अंदर ये जो हमारा डिस्प्ले है ना, ये कलरफुल है, लाइन पे अलग कलर जलेगा, आपका जो सोलर का लाइन आएगा यानी सोलर से पावर आता है तो उस पे अलग जलेगा, ये कलरफुल है। और ये जो सिस्टम है हमारा PWM PCU है। अब चलिए हम बात करते हैं इसकी लोड लेने की कैपेसिटी क्या है, कितना वाट लोड लेगा। ये जो हमारा सोलर इन्वर्टर पीसीयू है सिंगल बैटरी का है, 1000 VA का है, और इसकी लोड लेने की कैपेसिटी जो बल्ब है, लाइट है, वो 800 वाट लोड लेगा। लेकिन यही लोड आपका इंडक्शन हो जाता है जैसे हीटिंग एलिमेंट से, तो यही लोड आपका 667 वाट हो जाएगा। ये आपको हर कोई नहीं बताता है, 800 वाट बता दिया गया ना, तो सबके माइंड में ये सेट हो जाता है कि 800 नहीं, हीटिंग पे वो चेंज हो जाता है, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ग्रिड से, यानी अभी मैंने आपको इसके बैक साइड दिखाया ना, टॉप इसका जो चार्जिंग का है उससे अगर आप चार्ज करते हैं ग्रिड से, तो हम 12 एम्पीयर तक उसके अंदर पावर देगा आपका बैटरी को चार्ज करने के लिए। बैटरी आपका 150 Ah का हो, 180 Ah का हो, 200 Ah का हो, या 220, कोई भी आपका Ah हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो करंट जनरेट होगा वो 12 एम्पीयर जनरेट होगा। अगर यहीं पे इसको बूस्ट कर देंगे, इस स्विच के बारे में हमने बात किया ना, इसे हम बूस्ट अगर कर देते हैं तो 15 एम्पीयर तक ये चार्ज करेगा, ठीक है। और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं 1 एम्पीयर से लेकर के 20 एम्पीयर तक हम एडजस्टेबल कर सकते हैं चार्जिंग के लिए। अगर बात करें इसके अंदर जो आपका इनपुट वोल्टेज जो होता है मेन ग्रिड पावर सप्लाई का, वो कितना वोल्ट आ जाए तो बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है। तो अगर आपका 120 वोल्ट आ जाता है और उसके ऊपर 230 240 जाएगा, इस दोनों के बीच में हो सकता है, 120 से लेकर के 240 के बीच में हो सकता है वोल्टेज कभी अप डाउन रहता है, तो आराम से 120 वोल्ट से ये चार्ज करना स्टार्ट कर देगा और आपकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत से ऐसे पीसीयू आप लेंगे, उसको अगर वोल्टेज ही पूरा नहीं मिलेगा, 220, 200 या 180 नहीं मिलेगा तो वो काम ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज होना चाहिए कि हमारे यहाँ वोल्टेज अगर कम है, सीरीज है, तो उस समय भी काम करे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस सोलर इन्वर्टर पीसीयू के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है, क्या क्या फीचर मिल जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी भी तरह का इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्वेश्चन है, डाउट है, सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।